ध्यान देना बच्चे, जब cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है तो यहां पे थीटा है, जब cos 2 थीटा है तो यहां पे थीटा है, अगर यहां पे थीटा हो जाएगा तो यहां पे थीटा / 2 हो जाएगा, मतलब थीटा से वैल्यू घट जाएगा, तो थीटा को हाफ कर। यहां पे ध्यान से देखो कि एक स्क्वायर में से एक एक लेंगे, एक को भगा देंगे, एक को लेके एक न्यू गर्लफ्रेंड आई, ओल्ड गर्लफ्रेंड को भगा दिए। और प्लीज मेरा मेहनत पसंद आया होगा तो थैंक यू भोंदू सर, लिखना मत भूलिएगा। तो 2 कहां से लिख दिया यार बेबू को भोंदू कहने का, अब इसे भी सिंपल से लिख सकते हैं ना, मतलब सोचा जाए लिख सकते हैं। हेलो भोंदू सर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, भोंदू सर का भोंदू क्वेश्चन पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर का क्वेश्चन था, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना बकवास के, ठीक है? तो इसको मिटा लेते हैं, भोंदू सर का भोंदू क्वेश्चन आप लोग देखना थोड़ा आराम से, ठीक ना? भोंदू क्वेश्चन है लेकिन आराम से देखेंगे हम लोग, ताकि समझ में दम अच्छा से आए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, मेरे मार्कर मेरे हाथ में, तो देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी क्वेश्चन करेंगे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या क्या जो भी दिमाग में आएगा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x / 1 - sin x, जहां x डिफाइंड है ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाई 2 बट लेस देन पाई बाई 2। ये आपको नहीं ध्यान है, क्वेश्चन में वैल्यू डिफाइन करने के लिए नहीं डिफाइन के लिए दे दिया जाता है, इसका कोई जरूरत ऐसे नहीं है, लेकिन ये जरूरी है ना क्वेश्चन को, मतलब कोई गलत भी कर सकता है, अगर ये नहीं दिया जाएगा तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन सीधे शुरू करते हैं, देखो tan इनवर्स cos x / 1 - sin x, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख देंगे, पहला स्टेप tan इनवर्स, tan से इनवर्स लिख देंगे, cos x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बच्चों इस बार पर ध्यान है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हम लोग वही करेंगे, tan देखो वही करेंगे, cos x को क्या लिख देंगे, tan 90 को लिख देंगे पाई बाई 2, पाई बाई 2 और माइनस थीटा को लिख देंगे x, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, x के रूप में यहां पर है बस, थीटा जो है x है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है? ये हो गया 1 माइनस sin x, sin x को यही लिखेंगे, sin x को क्या लिखेंगे, cos 90। मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है यार, बोंदू हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग को आप देख लेना, कोई हैंडराइटिंग सब जो बोंदू वाला है, और ऐसे भी बोंदू हुए है भी, तो ये हो गया। तो हम लोग बचपन में 1-2 क्लास में एलसीएम जैसे लेते आ रहे हैं, वैसे एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, 2 को x के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x का, और फिर आगे लेते हैं, थोड़ा आप लोग के बोर्ड छोटा है मेरा, तो आप लोग संभाल लेना, अब थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, बोर्ड छोटा होने का, टाइम को टाइम लिख देंगे, नहीं हो पाएगा तो देखो सेकेंड स्टेप, टैन पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है? और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस कोस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पाई माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके और 2 यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखो ध्यान से देखो, हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे, याद है ना आप लोग का, बचपन में क्या 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला क्या है आप लोग यहाँ पे नोट पे लिख लेना, यहाँ पे ध्यान दे दिखाई दे रहे हैं मुझे नहीं पता, इसको इरेज कर देंगे बाद में, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, बचपन में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या पढ़ते थे बचपन में हम लोग, एक फॉर्मूला पढ़ते थे जिसका साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जब थीटा अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा रहेगा, 2 थीटा है यहाँ पे सिंगल थीटा, अगर थीटा को हाफ कर देंगे 2 थीटा से थीटा कर देंगे, यहां जैसे 2 थीटा देखो यहां 2 थीटा है, तो इसको जब हाफ करेंगे थीटा को जब हाफ करेंगे देखो sin थीटा जब करेंगे तो यहां थीटा भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 है तो यहां सिंगल है, तो यहां थीटा होगा तो थीटा का हाफ थीटा / 2 हो जाएगा, तो 2 sin थीटा / 2 cos थीटा / 2, यही फार्मूला हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे, आप लोग देख लेना। और सिमिलरली cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान देना बच्चे से, यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब थीटा से वैल्यू घट जाएगा, 2 थीटा से यहाँ पे थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोस थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन देखो ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप चाहिए, जो हम पहले आप लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 1 को 2 को इधर भेजते हैं, 2 sin square theta 2 को इधर इक्वल टू इधर भेजते हैं, और cos theta को इधर भेजते हैं, बचपन हम लोग करते आ रहे हैं, 2 sin square theta by 2 लिख देते हैं, 1 minus cos theta ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है, 2 sin square theta by 2 और 1 minus cos theta, ये फॉर्मूला, अब फॉर्मूला दो को फॉर्मूला लिखे ये हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे, एक ये और एक ये, आप लोग ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब मुझे कैमरा में एक बार चेक कर ले रहा हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है, बिंदास मजा आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे, आप लोग देखना बहुत आसान है। देखो आगे अगर हम लोग भाई मकान मालिक हम लोग रेंटर है, अपना घर तो है, देखो इसमें टैन इनवर्स tan x है, यहाँ पे sin x है, जगह tan x भी मानेंगे, sin x जिस sin theta है तो tan करेंगे, तो tan theta क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, तो क्या लिखेंगे, 2 sin, सॉरी माफ करना, 2, अरे यार क्या मैं कर दिया, एक सेकंड, तो यार मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गया, यहाँ पे साइन की जगह हम लोग टैन टैन लिख दिया हर वर्ड में, तो होता है या जैसे कोस एक्स को हम लोग तोड़ेंगे तो साइन 90 माइनस एक्स एस एक्स इक्वल टू कोस एक्स ना होगा, टैन 90 माइनस एक्स इक्वल कोस में होगा कोट एक्स हो जाएगा, तो साइन 90 यहाँ पे टैन लिख दिया था गलती से, यहाँ पे टैन होगा, आप लोग माफ करना मुझे, यहाँ पे टैन होगा, यहाँ पे भी टैन होगा, तो देखो ये कर दिया, और देखो अब सेम एलसीएम जिससे बचपन में हम लोग करते थे वही वही होगा, एलसीएम भी यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा। अब फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, साइन थीटा की जगह पे क्या है, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ठीक है, तो लिखेंगे टैन, अगला स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं टैन इनवर्स साइन थीटा क्या है फॉर्मूला, 2 साइन, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा ध्यान दो, जो थीटा है ना, ये थीटा ये वैल्यू है, ये क्या है थीटा, ये भी क्या है थीटा, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से थीटा लिख देंगे, ठीक है, tan इनवर्स टू साइन थीटा बाय 2, थीटा क्या है, ये 2 साइन इनवर्स क्या है यार फॉर्मूला, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, 2 tan थीटा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा क्या है पाई माइनस 2x, सॉरी तो होता है बचपन से, पर 2 साइन थीटा बाय 2x थीटा क्या है पाई माइनस 2x बाय 2, और नीचे बाय 2 है, तो 2 नीचे यहां से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 into 2, और सेम नीचे यहां पे भी करेंगे, यहां पे भी 1 माइनस cos पाई माइनस 2x बाय 2, भी यहां से भी जाकर ये वाला 2 यहां पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ स्टेप हमने गलत कर दिया है, तो हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखना, कोई ऐसा बात नहीं, जो फॉर्मूला इस्तेमाल करें गलत जगह फॉर्मूला इस्तेमाल करें, क्योंकि यार बहुत दिन के बाद प्रैक्टिस मेरा भी छूट गया है, तो कोई बात नहीं। तो देखो ये जो ये डिवाइडेड cos थीटा बाय 2 की है ना, ये मल्टीप्लाइड में ही होगा ना यार, आप लोग तो सामने हो नहीं बता सकते हो, देखो 2 sin x हो गया, अब 2 cos x बाय 2, तो cos थीटा बाय 2, तो cos कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ना cos, और थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस क्या है थीटा पाई माइनस 2x बाय 2, 2 into 2 क्यों 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे जाकर, और देखो नीचे में हम लोग और ये फॉर्मूला लिखा है कि 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या लिखे, 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा क्या है यहां का, थीटा क्या है यहां का पाई माइनस 2x बाय 2, तो पाई माइनस 2x बाय
यहाँ पे ध्यान से देखो, एक स्क्वायर में से एक लेंगे, एक को भगा देंगे, एक को लेके एक न्यू गर्लफ्रेंड आई, ओल्ड गर्लफ्रेंड को भगा दिए, ठीक है। तो इस एक साइन इस ये एक से एक मर गया, यहाँ पे एक बचा रहेगा, यहाँ पे क्या बचा रहेगा, देखो साइन पाई माइनस टू एक्स बाई फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो ये भी मल्टीप्लाई होकर फोर हो जाएगा, cos pi minus 2x by 4, sin pi minus 2x by 4, क्या हो जाएगा, cos theta pi, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, cos theta pi sin theta is equal to cot theta, ठीक है, cot theta, cos theta pi sin theta is equal to cot theta, यहाँ पे theta क्या है, pi minus 2x by 4, ये क्या है theta, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे स्टेप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग cot theta, tan inverse, ये तो tan inverse यही पे रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे cot theta कितना है pi minus 2x by 4, pi minus 2x, handwriting पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, handwriting हम लोग संभाल लेना यार, pi minus 2x by 4, ठीक है, tan inverse cot, अब ऐसा हम लोग क्या करेंगे ना, एक तरकीब लगाएंगे, आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग देखो अच्छे से इसको लिख लेना, आगे इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर बोर्ड थोड़ा स्पेस छोटा बोर्ड है, तो बहुत सारा छोटा वर्ड है, पैसे वैसे के कारण छोटा वर्ड है, इसको इरेज कर ले रहा क्योंकि आगे बाद कुछ दो तीन इसे देखना पड़ेगा, इसको इरेज कर ले रहा, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, मेरे जैसा इसको इरेज कर लेते हो, ठीक है, फॉर्मूला वॉर्मूला सबको इरेज कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ जल्दी इरेज कर लेता हूँ, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि यार बहुत ज्यादा गलती हो रहा है, जैसा कि बचपन में सब ऐसा है ना, अब ट्वेल्थ किया हुआ बच्चा 5 साल हो गया है, बंदूक क्या क्या होगा, ये बंदूक से देखो tan inverse cot pi minus 2x by 4 है, हम लोग ऐसे x को रख लेते हैं, ऐसा हम लोग क्या करें ना, हम लोग एक फॉर्मूला पता है, आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ बिगिन हम लोग इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी आप लोग पता होगा, जैसे पता होगा आप लोगों को sin इनवर्स sin x इक्वल टू होता है x, जो साइन के अंदर x आता है ना वही x हो जाता है, जहां x बिलोंग करता है, आप लोगों को पता ही होगा, इसको छोड़ो तो यहां साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो x होता है, ऐसे ही आपको पता होगा tan इनवर्स tan x रहेगा ना जहां पे भी, तो वहां पे भी x बन जाएगा, जो x रहेगा x, ये सबको हम कभी और पढ़ेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स tan x रहेगा तो x बन जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में आगे स्टेप में लगेगा, तो ध्यान रखना, इसको इरेज करता हूं, tan इनवर्स tan x रहेगा तो x, जैसे यहां पे देख सकते हो हम लोग यहां पर भी इसको तो लेंगे, देखो cot को हम क्या पढ़ सकते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं cot, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान देना बहुत गलती हो रही है मेरे से, tan 90 minus theta is equal to cot theta, ठीक है, cot theta, तो हम लोग 90 को लिख सकते हैं pi by 2, ठीक है, pi by 2 रेडियन होता है, pi by 2 minus theta, यहां पे लिख सकते हैं tan इनवर्स, जैसे है क्यों वैसे ही जैसे लिख दिए, अब कोट लिख देते हैं, ये थीटा है, हम लोग पता है कि ये हम लोग को थीटा है, हम लोग को पता है ये थीटा है, तो इसके हिसाब से हम लोग कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स tan 90 pi by 2, 90 को लिख दिए pi by 2 minus x, x कितना हो गया pi minus 2x by 4, pi minus 2x by 4, ठीक है, ये हम लोग क्या हो गए, अब देखो इसकी जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, इसको हम लोग थोड़ा और सिंपलीफाइड कर भी लिख लेते हैं, tan इनवर्स tan, अब देखो अब एलसीएम लेंगे, 2 4 का एलसीएम 4 होता है, ठीक है, 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 पाई हो जाएगा, ये एक मर गया पाई माइनस 2x, ठीक है, और 2 पाई में से एक पाई गया कितना हो जाएगा, देखो नीचे देखो स्टेप, इसको इरेज कर लेते हैं, छोटा पड़ जाएगा बोर्ड, इसको इरेज कर लेते, आप लोग देख लेना समाधान, इसको तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan इनवर्स tan 2 पाई में से एक पाई गया पाई हो जाएगा पाई अब माइनस माइनस जाके इनटू प्लस हो जाएगा पाई प्लस 2x tan पाई प्लस 2x by 4 ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई प्लस x by 4 ठीक है जहां इसके जैसा जो हमने फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स tan x
2x आप लोग इससे भी नहीं देखो आगे क्या डिफाइन है उसको मत देखो काम भी नहीं क्वेश्चन में तो x हो जाएगा यहां x क्या है देखो यहां पे x पाई प्लस x बाय 4 x आ रहा है x को हम लोग कैसे लिखेंगे x को सीधे बाहर निकाल देंगे पाई प्लस x क्या है पाई प्लस 2x है ना यार मेरे तो क्या हो रहा है ना सर पाई प्लस 2x बाय 4 पाई प्लस एंड एडिंग पाई प्लस 2x बाय 4 ठीक है ये है ना पाई प्लस 2x बाय 4 क्या है यार पाई क्या लिख दिया यार पाई प्लस 2x बाय 4 ये x है ये x है ठीक है पाई प्लस 2x बाय 4 ये ना x है यार पाई प्लस 2x बाय 4 हम लोग x क्या आ गया पाई प्लस 2x बाय 4 ठीक है हम लोग का ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया क्या हम लोग इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं जो क्वेश्चन का आंसर है ना इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा क्या हम लोग अब हम लोग सोचते हैं क्या इसे भी सिंपलेस्ट लिख सकते हैं तो लिखो कैसे लिखेंगे जो डिवीजन में है इसको अलग अलग करके लिख देंगे कैसे पाई को 4 से अलग कर देंगे पाई बाय 4 प्लस 2x को 4 से अलग कर देंगे 2x बाय 4 देखो फिर एलसीएम लेंगे 2 से 2 क्या क्या हो गया यार फिर एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा हम लोग पता है 4 से एलसीएम 4 होता है ये बन जाएगा ठीक है अब इसे भी सिंपलेस्ट लिख सकते हैं ना हम लोग सोचा लिख सकते लिखो क्या हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा यहां से देखो पाई बाय 4 को पाई बाय 4 लिख देंगे 2 को 2 से 4 को 2 बार काट देंगे तो 2x हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 2x तो यार मेरे से बहुत गलती हो रही है यहाँ बोर्ड भी छोटा है तो यार गलती क्या आप कंफ्यूज भी हम लोग भी हो गए क्योंकि हम लोग भी आप लोग की तरह स्टूडेंट है तो होता है अच्छी कोई बात नहीं है देखो पाई को जो इसको जब अलग लिखोगे तो पाई बाय 4 को पाई बाय 4 हो गया और 2x को 4 से डिवाइड करोगे ना तो 2 कहां से लिख दिया यार बेवकूफ भोंदू कहीं का इसको हो जाएगा 2 से 4 भाग देंगे x / 2 हो जाएगा ना क्योंकि 2 से 4 में 4 में 2 बार कट जाएगा तो x / 2 तो इसका आंसर क्या हुआ फाइनल आंसर इसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स cos x / 1 - sin x का जहां x डिफाइन नहीं है इसके रेंज में तो इसका आंसर हो गया पाई / 4 प्लस x / 2 तो ये आंसर आप लोग का आ गया अब भोंदू सर का मेहनत आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना यार क्योंकि सोचा था एक वीडियो में पहला वीडियो है तो एक ही क्वेश्चन करता हूँ हमेशा एक ही वीडियो एक ही क्वेश्चन ठीक रहेगा आप लोगों को समझ में आएगा हम मेरे लिए भी अच्छा रहेगा मेहनत कम करना पड़ेगा तो आप लोग को भोंदू सर का वीडियो कैसा लगा आपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और प्लीज मेरा मेहनत पसंद आया होगा तो थैंक यू भोंदू सर लिखना मत भूलिएगा कॉमेंट करना मत भूलना थैंक यू भोंदू सर क्योंकि कुछ भी ऐसा पसंद आया ना भोंदू सर तारीफ करना तो बनता है यार ठीक है बाय।